सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू। तो गाइस पिछली बार मैंने इसका एचपी पवेलियन गेमिंग लैपटॉप का गाइस मैंने करी थी अनबॉक्सिंग, लेकिन गाइस उस वक्त मैं इसकी गेमिंग रिव्यू नहीं कर पाया था। तो गाइस आज हम करने वाले इसकी गेमिंग रिव्यू। तो गाइस बने रहे मेरे साथ में और करना वीडियो को लाइक, करना गाइस चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरे एचपी पवेलियन का गेमिंग लैपटॉप है इसके अंदर मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कराई हैं। तो गाइज जो ये लैपटॉप आता है ये आता है 8 GB रैम के साथ में, लेकिन गाइज मैंने इसकी रैम एक्सपेंड करवा के 16 GB रैम कराई है। तो गाइज मैंने इसकी 8 GB रैम एक्सपेंड कराई है तो उसका बहुत ज्यादा मतलब आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इस बारे में। और गाइज इसके अंदर लगा हुआ है Ryzen 5 का CPU जो बहुत ही मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देता है गेमिंग के टाइम पे। और इसके अंदर लगा हुआ है एक GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड। तो गाइज थोड़ी और बात कम करेंगे और सीधे चलते हैं इसके गेमिंग रिव्यू की तरफ। लेट्स गो गाइज। सो राइट गाइज, मैंने यहाँ पे लगा लिया अपना एक्सटर्नल कीबोर्ड और यहाँ पे अपने माउस लगा लिया। पूरा पूरा गाइज गेमिंग के लिए सेटअप तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो गाइज अगर मैं आपको इसके कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा गाइज, तो गाइज अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गाइज आपको एक एक्सटर्नल कीबोर्ड पहले ही लेकर रखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि गाइज जो ये कीबोर्ड है इसके गाइज कीज बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं और उसकी हेल्प से आप बिल्कुल भी गेम यहाँ पर नहीं खेल पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे पहले स्टार्टिंग करते सीधा GT5 से। तो गाइज यहाँ पे मैं बिल्कुल भी वीडियो कट नहीं करूँगा और यहाँ पर पूरा आपको लोडिंग टाइम दिखाऊंगा कि कितनी देर में यह गेम खुलता है। लेट्स गो गाइज। तो गाइज यहाँ पे मैं गेम को क्लिक कर चुका हूँ और अगर गाइज इस जगह पे SSD होती है इसके अंदर तो गाइज यहाँ पे मज़ा ही आ जाता, क्योंकि SSD की हेल्प से तो गाइज ये बहुत ही जल्दी खुल जाता है गेम। और गाइज यहाँ पे लोडिंग ले रहा है इस वक्त। तो गाइज अभी आपको पूरा यहाँ पे लोडिंग टाइम देख सकते हो आप कितना पर टाइम ले रहा है। और SSD के साथ तो गाइज बहुत ही जल्दी हो जाता है काम, लेकिन बिगर SSD का तो गाइज बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, इतना तो मुझे पता है। कम से कम 1-2 मिनट तो गाइज ले गई आराम से। तो गाइज मैं बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं करूँगा और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो जल्दी से जाकर गाइज करिए वीडियो को लाइक, चैनल को करिए गाइज सब्सक्राइब। और लेट्स गाइज यहाँ पे हमारा गेम खुल चुका है और यहाँ पे हमारा फ्रैंकलिन गाइज आ चुका है यहाँ पे ड्रिंक पीता हुआ। और गाइज मतलब क्या है भाई, इस जगह फोकस में आया था मैं थोड़ा सा। ओके तो गाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा गेम को खेल के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने कीबोर्ड पर हाथ रख रखा है इस जगह पे। और गाइज इस जगह पे हमारा करेक्टर चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे इसके बाइक पर बैठते हैं और भाई आपको मैं इसकी सेटिंग भी दिखाऊंगा मैं किस सेटिंग पर इस गेम को चला रहा हूँ। और आप देख सकते हो बिल्कुल इतना सा भी लैग आपको नहीं दिखाई देने का। और आप चार्जिंग केबल भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे चार्जिंग केबल भी नहीं लगा रखी यहाँ पे। तो गाइज मैं आपको पहले थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूँ यहाँ पे। और भाई यहाँ पे लेमार की कॉल आ रही है मेरे पास में, इसके लेमार की भाई बात बाद में सुनूंगा, पहले गाइज मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ इसके बारे में। तो गाइज इस जगह पे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल भी लैग नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मतलब ठुके वुके कुछ भी हो। तो गाइज अब मैं आपको थोड़ा सेटिंग में जाकर दिखाता हूँ इसकी मैंने सेटिंग क्या कर रखी है। तो गाइज यहाँ पर हम जाते हैं सेटिंग के अंदर, यहाँ पर जाते हैं हम ग्राफिक्स के अंदर। और लेट गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डायरेक्टक्स 11 विंडोड मोड कर रखा है मैंने, क्योंकि मैं अपनी यहाँ पर रिकॉर्डिंग करता हूँ। और ये 1080p है गाइस, आप देख सकते हो इस जगह पे। और यहाँ पे सब चीज़ ऑन है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम कर रखी है, लेकिन गाइस आप ग्राफिक देख सकते हो इस जगह पे। टेक्सचर क्वालिटी गाइस हाई है, वेरी हाई, नॉर्मल हाई, वेरी हाई, वेरी हाई, हाई। तो गाइस सब चीज़ मतलब ज़्यादातर सब चीज़ तो मेरी हाई पर ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 16x पर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये ग्राफिक कार्ड यूज़ करता है ये चीज़। लेकिन गाइस ये बहुत ही ईजिली गाइस गेम को चला पा रहा है, आप इस जगह पर ईजिली देख सकते हैं यहाँ पे। और मैंने मेरे ख्याल से एडवांस सेटिंग भी खोल रखी है, मैं उस चीज़ में देखूंगा बाद में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलता है गेम के अंदर। और गाइज क्वालिटी मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही अच्छी है, डिस्प्ले की IPS डिस्प्ले है। और IPS डिस्प्ले का तो गाइज आपको पता ही होगा मतलब कितनी ही बेहतरीन वो मतलब क्वालिटी देती है हमें अपने गेम की। तो गाइज अगर मैं आपको बताना चाहूँ अभी भी तो गाइज ये 50,000 के लिए गाइज ये लैपटॉप मतलब बेस्ट है, इससे ज़्यादा कोई बेस्ट गाइज लैपटॉप इस जगह पे है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो गाइज मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ इस जगह पे कि बिल्कुल ये मैं अपने हाथों से गेम खेल रहा हूँ इस जगह पे। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको लैग नहीं दिखाई देने का है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम की तरफ, इस गेम को गाइज हम बंद करते हैं। बस एक बार मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ फिर से एडवांस वाली। तो यहाँ पे जाते हैं गाइज हम इसकी एडवांस सेटिंग के अंदर। और गाइज इस जगह पे देख सकते हैं मैंने इसकी यहाँ पे एक्सटेंडेड डिस्टेंस स्केलिंग भी गाइज हमने यहाँ पे ऑन कर रखी है इस जगह पे। तो गाइज चलते हैं यहाँ पे हम सेकंड गेम की तरफ। राइट गाइज यहाँ पे हमने अपना GT5 गाइज यहाँ पे बंद कर दिया और यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम की तरफ। तो गाइज हम सीधा जाएंगे यहाँ पे साइबर पंक के पास में और साइबर पंक ऑन करके देखेंगे गाइज कितना टाइम लेता है वो, और बिगर पावर सप्लाई का क्या वो ऑन हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। लेट्स गो गाइज। सो ऑल राइट गाइज यहाँ पे हमारा अपना गेम चालू हो चुका है। यहाँ पे भाई हमारे साइबर पंक का नाम लिखा आ चुका है, तो रेड इंजन यहाँ पे आ चुका है। और भाई देखते हैं हम यहाँ पे गेम हमारा कैसे चलता है, यहाँ पे कुछ लैग वैग होता है या फिर नहीं होता है।
तो गाइज मेरे ख्याल से लैग तो होना चाहिए नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी अगर गाइज होता है तो वो बिल्कुल आपके सामने रहेगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और शायद से मैंने इसकी ब्राइटनेस कम कर रखी है, मैं स्पेस दबाता हूँ जल्दी से। ओके तो गाइज यहाँ पर हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, और इसके अंदर चल के देखते हैं जल्दी से यहाँ पे कितना टाइम लगता है। तो गाइज मैं इस जगह पे कर देता हूँ कंटिन्यू, लेट्स गो गाइज देखते हैं। लग गया है यहाँ पे मेरे ख्याल से गेम लैग नहीं होने वाला बिल्कुल भी, और यहाँ पे हमारी गेम अभी लोडिंग ले रही है इस जगह पे, आप देख सकते हो यहाँ पे गेम लोड हो रहा है यहाँ पे। तो गाइज देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है लोडिंग होने पर भी। और आपको गाइज वीडियो मतलब और किसी भी कंटेंट के चाहिए, या फिर आपको कोई और सा गेमिंग रिव्यू भी चाहिए जो अगर आपको मतलब देखना है कि वो इसके अंदर चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो गेम भी इसके अंदर चला के देख लूँगा अगर आपको मतलब एक बार ट्राई करना है कि इसके अंदर वो गेम चल सकता है या फिर नहीं चल सकता। और भी आप गाइज मुझे वीडियोस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे, ओ भाई यहाँ पे तो भाई कंटिन्यू का आ चुका, मैं इतनी देर से बात करने में लगा हूँ तो गाइज यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं जगह पर लैग होता है या फिर नहीं होता है। और गाइज अगर लैग होता है तो यहाँ पे, ओ भाई ओके मैंने यहाँ तक गाइज कंप्लीट कर रखा था इस जगह तक, और यहाँ पे गाइज बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो इस जगह पे तो गाइज बिल्कुल भी कोई पार्शियलिटी नहीं है गाइज यहाँ पे, मतलब मैंने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करी है, मैं अपने खुद के फ़ोन के कैमरे से यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और गाइज बिल्कुल भी गेम के अंदर लैग नहीं हो रहा है। तो गाइज मैं इस जगह पे साइबरपंक को रोक देता हूँ, क्योंकि गाइज मैं अपने मतलब इसकी साइबरपंक की रिकॉर्डिंग करता हूँ, और अगर मैंने इसको इससे ज़्यादा अगर चलाया तो मेरी इस रिकॉर्डिंग मतलब ख़राब हो जाएगी, मतलब गेम प्ले मेरा ख़राब हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से करते हैं हम इस गेम को एक्सिट, और गाइज चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइज़ अगर आपको मतलब जानना है स्क्रीन फैन की नॉइस होती है या फिर नहीं होती, तो गाइज़ अगर आपको थोड़ी बहुत साउंड आ रही हो, तो गाइज़ अगर आपको साउंड आई हो तो मुझे पता नहीं मतलब आई होगी आपको नहीं आई होगी, लेकिन हाँ इसके अंदर थोड़ी बहुत ही थोड़ी मतलब फ़ैन नॉइस होती है। और गाइज़ हीटिंग को तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि इसके अंदर हीटिंग होती होगी, बिल्कुल भी गाइज़ इसके अंदर हीटिंग नहीं होती है, मतलब आप कितनी भी इंटेंसिंग गेमिंग कर लोगे ना तो भी गाइज इसके अंदर हीटिंग नहीं होने की बिल्कुल भी। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइज हम नेक्स्ट गेम खेलने वाले हैं यहाँ पे टेकन सेवन। तो गाइज टेकन सेवन भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्राफिक डिमांडिंग गेम है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर कंजप्शन लेता है वो। तो गाइज चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, लेट्स गो गाइज। तो गाइज आप यहाँ पे सोच सकते हो कि भाई देखो ये कीबोर्ड है और माउस है, ये दोनों चीज़ कनेक्ट होने के बाद भी गाइज मतलब ये इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकता है, मतलब आप सोच सकते हो कि भाई ये पूरा का पूरा RGB वाला कीबोर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा RGB यूज़ हो रखी है यहाँ पे, और गाइज उसके बाद भी गाइज ये मतलब बिल्कुल ही ईजिली चल पा रहा है। तो गाइज यहाँ पर हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, आप यहाँ पे आप इसके मतलब स्टार्टिंग से ही देख सकते हो गाइज कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा मतलब एंड वो लगती होगी मतलब ग्राफिक डिमांडिंग और मतलब वगैरह वगैरह चीज़ें। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा फोकस लॉस्ट हो गया था मेरे कैमरे का, और इसको मैं फिर से ठीक कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है गाइज़। तो गाइज़ जल्दी से मैं इसको कट करता हूँ, और एक आपको छोटा सा मैच खेल के दिखाता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ी वीडियो आई है इसकी, और मैं जल्दी से करता हूँ इसको स्टार्ट। अरे भाई ये होता किस तरह था गाइज, मैं तो भूल भी गया, कीज़ भूल जाता है इतने गेम खेलने के बाद में, मतलब मैं कीज़ ही भूल जाता हूँ किस कौन सी कीज़ है कौन सी नहीं है। तो लेट्स गाइज यहाँ पर आ चुके हैं हम गेम के अंदर, और अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो गाइज मुझे बताना। और यहाँ पे हम खेलते हैं आर्केड मोड, और यहाँ पे हिताची की आप फोटो देख सकते हो, क्या अभी खतरनाक फोटो आ रही है इस जगह पे भाई, और 1080p के गाइज ये गेम चल रहा है। आपको मैं इसकी अगर सेटिंग दिखाऊंगा आपको, एक फाइट एक राउंड खेलने के बाद में आपको इसकी मैं सेटिंग भी दिखाऊंगा कि किस सेटिंग पे गेम चल रहा है। तो लेट्स गो गाइज चलते हैं इसके अंदर, हम देखते हैं फर्स्ट मैच हमारा किसके साथ होने वाला है। तो गाइज हमें यहाँ पे लेने वाले हैं अपने लेफ्ट साइड, और जल्दी से गाइज हम कोई सा भी प्लेयर ले लेते हैं, ये काजुया ही ले लेते हैं, लेट्स गो गाइज। और गाइज अगर मैं आपको इसकी मतलब वो बताऊँ ना कि मतलब साउंड क्वालिटी, तो गाइज साउंड क्वालिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है, आपको यहाँ तक भी आवाज़ आ रही होगी इसके, मतलब जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसके अंदर भी आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी। भाई काजुया की फाइट है भाई, इसके साथ में कौन है इसका नाम नहीं पता मुझे, स्टेज वन है हमारी। तो गाइज देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है, लेट्स गो गाइज। सो लेट्स गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं मैच के अंदर, और भाई यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो गाइज, यहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्राफिक डिमांडिंग गेम है। और यहाँ पे गाइज मैं सीधा गेम को स्टार्ट करता हूँ, और मैं मतलब एक ही हाथ से खेलूंगा, आप देख सकते हो इस जगह पे एक ही हाथ से खेल रहा हूँ मैं, और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो भाई क्या ही खतरनाक गेम है गाइज ये।
ओ भाई, मतलब आप यहाँ पे मतलब इसकी स्पीड देखिए इसे कितनी स्पीड पर चल रहा है, बिल्कुल 60 FPS पे चल रहा होगा इस, गारंटी की बात है। और मतलब बिल्कुल भी इतना सा भी लैग नहीं है इसके अंदर। तो गाइज इस वाले राउंड के बगैर मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे इसकी जो ग्राफिक सेटिंग है वो आपको दिखाई जाएगी इस जगह पे। तो गाइज इसको फिर से पटके देता हूँ यहाँ पर, फिर से लात मारता हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो गाइज इतना सा भी अगर आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर लैग दिखाई दे रहा हो अगर, तो भाई मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन के अंदर कि मुझे इस जगह पर लैग दिखाई दिया था। तो गाइज यहाँ पर हम ये वाला मैच जीत चुके हैं, तो गाइज हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट मैच की तरफ। तो अरे भाई यहाँ पर तो ये फिर से आ चुका है। तो गाइस मैं जल्दी से वीडियो कट करके और इसके पीछे ले जाकर आपको सेटिंग दिखाता हूँ इसकी सेटिंग क्या है। ऑलराइट गाइस यहाँ पर हम बाहर आ चुके हैं, और गाइस मैं यहाँ पे जल्दी से एक बाहर की तरफ लेके चलता हूँ गेम के। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी गाइस मतलब एडिट नहीं करी है कुछ भी, मतलब मैंने सीधी वहीं पर लेके गया आपको, मैं ऑप्शन में लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स के अंदर। और गाइस यहाँ पर आप ग्राफिक्स सेटिंग्स देख सकते हैं इसकी, भाई 1080p है गाइस और बॉर्डरलेस है क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। और गाइस यहाँ आप देख सकते हो गाइस सब कुछ अल्ट्रा हाई मैक्स्ड है, मतलब ये हाईएस्ट ग्राफिक पे गाइस चल रहा है, और वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी इसके अंदर मतलब मैंने पावर सप्लाई नहीं दे रखी है। तो गाइस आप सोच सकते हो क्या ही मतलब ये लैपटॉप होगा गाइस जो इतनी हाई सेटिंग पर भी मतलब ईजिली चला पा रहा है, वो भी गाइस जो RGB कीबोर्ड लग रहा हुआ है यहाँ पे और मेरा माउस भी लगा हुआ है इस जगह पे। तो गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ अपने दूसरे गेम की तरफ, लेट्स गो। इस वाले गेम को हम क्विट करते हैं यहाँ से, ओके यस करते हैं यहाँ से। चलो भाई आ चुके हैं हम यहाँ पे बाहर की तरफ, और गाइस नेक्स्ट गेम हम खेलने वाले गाइस इस जगह पे हमारा है राइज ऑफ टूम राइडर। तो गाइस इस गेम को करते हैं स्टार्ट। गाइस आपको अगर पता हो तो गाइस जो भी यहाँ पे टूम राइडर गाइस फैन है तो गाइस उसको यहाँ पे पता होगा गाइस कि जो टूम राइडर के जो गेम होते हैं उनकी कितनी हाई ग्राफिक डिमांडिंग होती है। तो गाइस वो इस गेम को देख के समझ जाएंगे अपने आप से कि गाइस इस लैपटॉप के अंदर कितना दम है। राइट गाइज यहाँ पर आ चुका है हमारा गेम का लोगो, और इसके अंदर गाइज हम प्ले करते हैं, या फिर मैं आपको पहले इसके अंदर यहीं से मैं आपको ऑप्शंस मिल जाकर दिखा देता हूँ कि किस सेटिंग के ऊपर गेम चल रहा होगा। शायद से इसके अंदर दिखा देते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है गाइज यहाँ पे, हाँ गाइज ये रहा इस जगह पे यहाँ पे ग्राफिक्स में दिखा देता है कि किस गेम किस सेटिंग्स के ऊपर गेम लॉन्च होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हम कस्टम पर मैंने यहाँ पे ये सब 16x पे कर रखा, और हाई है, ऑन है, वेरी हाई है, और गाइज लेवल ऑफ डिटेल्स में इस जगह पर लो है शायद से, ये आप सब अपने आप से ही है, मैंने कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करी है। तो गाइज इसको करते हैं ओके। तो गाइज यहाँ पे करते हैं प्ले, लेट्स गो गाइज, देखते हैं यहाँ पे क्या हमें ग्राफिक डिटेल्स मिलने वाली है और क्या हमें गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्या इसमें लैग होगा या फिर नहीं होगा। सो लेट गाइज यहाँ पे हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, और ये है राइज ऑफ टूम राइडर। तो गाइज इसकी भी हम मतलब गेमिंग रिव्यू देखते हैं इसका कैसे आने वाला है। अगर इसके अंदर आपको लैग दिखाई देगा इस तो मुझे बताना बिल्कुल भी, अगर आपको थोड़ा सा भी लैग वीडियो के अंदर दिखाई दे। तो गाइज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो गाइज किसी भी गेम की वैसे भी हो सकती है, मतलब कोई भी मतलब पागल बना सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, लेकिन गाइज मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो गाइज यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू, और गाइज यहाँ पे मेरे ख्याल से गेम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेगा क्योंकि मैंने इसको गेम को अभी तक नहीं खेला है, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो इसको मैं आपको थोड़ा अंदर तक थोड़ा खेल के दिखाऊंगा। तो चलते गाइज इसके अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है यहाँ पे राइज ऑफ टूम राइडर, लेट्स गो गाइज। तो गाइज यहाँ पर हमारा गेम चल चुका है इस जगह पर, आप यहाँ पे साउंड भी सुन सकते हो गाइज, क्या ही खतरनाक साउंड आ रही है इस जगह पर। ओ भाई यहाँ पे स्टार्टिंग से, अरे भाई स्टार्टिंग से इतना इंटेंस ही ना चुका है क्योंकि मैंने थोड़ा सा साइड से गेम खेला था है, और यहाँ पे सीधा इंटेंस है, और मैं इसकी कीज भूल चुका हूँ गाइस कि किस चीज से क्या होना था इसकी। ओके ऐसे होना है यहाँ पे शायद से स्पेस से, ठीक है ठीक है। अरे भाई मुझे माउस का यूज़ करना है, लेकिन एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, हम इसको फिर भी थोड़ा सा खेल के आपको दिखा दूंगा मैं यहाँ पे। अरे भाई ऑल राइट गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इंटेंस सीन है गाइज यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गाइज इंटेंस सीन है यहाँ पे, लेकिन गाइज फिर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से गाइज चल पा रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो सब चीज़ कनेक्ट है, मेरी माउस भी, कीबोर्ड भी, और यहाँ पे बिल्कुल भी चार्जर कनेक्ट नहीं है। लेट्स गो गाइज, और भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन था ये, और इस इंटेंस सीन के बाद मुझे लगा था कि यहाँ पे FPS ड्रॉप पाएंगे, लेकिन गाइज बिल्कुल भी FPS ड्रॉप यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो गाइज गेम खोलेंगे करते हैं यहाँ पे वेट फिर से, और देखते हैं क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे 2 वीक्स अर्ली की बात है, यहाँ पे हमारा ये है शायद से वही लारा क्रॉफ्ट गेम के अंदर, और भाई यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं गाइज इस जगह पे उसकी कितनी डिटेल्स आ रही है यहाँ पे गेम के अंदर गाइज, बहुत ही हाई क्वालिटी का गेम है इस जगह पे गाइज, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी गेम। और गाइज आप इस जगह पे इसकी साउंड सुन सकते हैं, आप मैंने देखो कैमरा कितनी दूर कर रखा गाइज, और आप इसकी फिर भी साउंड सुनिए। What do we leave behind? Bones? Dust?
and our earthly existence. I believe it does. Truth lies at the heart of many myths and stories. So alright guys, मुझे लगता है आपको मतलब इसकी साउंड क्वालिटी का भी पता चल चुका होगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और आपको गाइज अगर वीडियो अच्छी आ रही है तो गाइज जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, चैनल को करिए गाइज सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और गेमिंग कंटेंट भी गाइज मैं आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ। और आपको कोई अगर गाइज अब भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपको कुछ डाउट रह गया है या फिर नहीं। सो गाइज यहाँ पर हम कर चुके हैं अपना गेमिंग रिव्यू। तो गाइज इसके अंदर चला हमने GTA 5, यहाँ पर हमने चला है साइबरपंक 2077 और गाइज यहाँ पर हम चला है राइज ऑफ टूम राइडर और टेकन 7। तो गाइज ये सारे के सारे गेम बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग गेम है अगर आपको पता हो, क्योंकि गाइज इनके अंदर ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज यहाँ पर बिगर चार्जिंग केबल भी हमने चला के देखा है। और गाइज मैं अगर आपको इसके और चीज़ें बताऊँ तो गाइज इसके अंदर अगर SSD होती तो गाइज मेरे ख्याल से लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो सकता था। मेरे ख्याल से इन्हें बस ऐसा करना चाहते कि 500 GB की एक हार्ड ड्राइव देनी चाहिए थी और इन्हें 250 GB की लगभग SSD साथ देनी चाहिए थी, क्योंकि गाइस वो बहुत ही ज़्यादा हाईब्रिड मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि गाइस जो गेम है वो लोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, आपको पहले बता दो, मैंने आपको दिखाया भी वीडियो के अंदर, वो लोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। अगर उसके अंदर SSD होती तो गाइस वो लोडिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं लेता। और गाइस बाकी अगर मैं आपको इस डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो गाइस इसकी डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसका रिव्यू तो मतलब आपने देख ही जाएगा, मतलब आपको बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं गाइस। जो मतलब लैपटॉप बिगर चार्जिंग केबल लगाए भी और इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे दी गेम के अंदर, और वो भी कीबोर्ड भी कनेक्ट है गाइस उसके साथ में मेरा, और माउस भी कनेक्ट है, और वो भी गाइस ऐसे वैसे कीबोर्ड माउस नहीं है, उनके अंदर फुल RGB है जो पूरी पूरी पावर गाइस खींच लेता है। तो ये चीज़ तो आपको मैं गाइस पहले बता चुका हूँ कि मैंने इसके अंदर रैम एक्सपेंड करा रखी है। तो गाइस आपको गेम खेलने अगर इस गेम लैपटॉप के अंदर तो गाइस आपको डेफिनेटली गाइस रैम एक्सपेंड करानी पड़ेगी ही, क्योंकि गाइस जो मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है Ryzen 5 का, उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है, कार्ड है वो आपके 2 GB रैम यूज़ कर लेता है और आप उस 2 GB रैम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और गाइस आपको पता ही होगा कि जो विंडो 10 है उसके बैकग्राउंड ऐप्स बहुत ज़्यादा रन करते हैं, और उसके बैकग्राउंड ऐप रन करने की वजह से गाइस उसके अंदर मतलब 2 GB रैम और चली जाती है। तो गाइस कट कुटा के आपको आपके 8 GB में से सिर्फ और सिर्फ लगभग 5 GB के आसपास रैम आपको मिलती है मतलब यूज़ करने के लिए। और गाइस आपको पता होगा जितने भी सारे के सारे ग्राफिक डिमांडिंग गेम है वो उनकी मतलब मिनिमम तो उनकी 8 GB रैम होनी चाहिए उनके अंदर। तो गाइस इसलिए आपको यहाँ पे रैम एक्सपेंड करानी पड़ेगी। मैंने इसके अंदर गाइस 8 GB रैम एक्सपेंड कराई थी, यहाँ पे 16 GB हो चुकी थी और आप यहाँ पे मैक्सिमम 16 GB रैम ही एक्सपेंड करा सकते हैं। तो लास्ट में गाइस मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप गाइस इस HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप को लेना चाहते हैं तो गाइस आप पहले से मतलब कीबोर्ड और माउस का इंतजाम करके रखिए और वहाँ पे 8 GB रैम का गाइस खर्चा उठाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि गाइस बिगर 8 GB रैम डलवाए आप गेमिंग इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस करना वीडियो को लाइक, चैनल करना गाइस सब्सक्राइब, और गाइस ऐसे ही जो वीडियो है उसके आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप मुझे नए नए आइडिया दे सकते हैं कि मैं और कोई सी मतलब वीडियो के ऊपर काम कर सकता हूँ और कोई सी गेमिंग कंटेंट में ला सकता हूँ। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, और मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।